हमें बोले बहुत अच्छा है। अच्छा आए थे ना जब डर लगे। अच्छा डर लगा थोड़ा उधर से इधर आया। हाँ हाँ ऐसा रहता कि ऐसा बात करना करके डर लगता। अच्छा अच्छा थोड़ा सा क्या बात। हाँ हाँ बहुत फ्रेंडली से पूरे। अच्छा क्योंकि भाई साहब 2000 किलोमीटर का सफर तय करके आए हो आप, थोड़ा हो जाता देखो मन में। 1,10,000 रुपए की भैंस लिए जी, और एक ही भैंस लिए जी, सबसे बड़ी भैंस 22-23 किलो दूध की भैंस है जी। 1,27,000 रुपए की भैंस खरीदी है, और खुल के चलती है तब भैंसों का पता चलता है जी। ये देखें जी बहुत बढ़िया जानवर खरीदे भाइयों ने, पहली बार आए थे राज डेयरी फार्म पे। और देखने वाले भाई कमेंट में आप ज़रूर बताएं जी भैंस कैसी है रेट के हिसाब से। और सामने इनकी गाड़ी भी लगी हुई है, 29 फिट की गाड़ी आई है इनकी 12 भैंस की। और पहले दांत की कटड़ी है, 2 दांत मुँह से है जी, ले वापिस है। ये देखें 1,10,000 रुपये की दी है जी। सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार। आज एक बार फिर से कर्नाटक रायचूर से भाई साहब आए हुए हैं राज डेयरी फार्म पे, जिन्होंने 12 भैंसें खरीदी है जी राज डेयरी फार्म से। ये देखें सभी जो भैंसों का रेट बताएंगे, और प्रॉपर जगह कौन सी है कर्नाटक से, हर चीज़ के बारे में पूछेंगे भाइयों से। और आज लगभग 4 दिन हो गए राज डेयरी फार्म पे आए हुए, बहुत भारी भरकम भैंसें खरीदी है, भाइयों से पूछेंगे एक बार थोड़ा डिटेल से। तो जितने भी भाई साथ में जुड़े हैं जी वीडियो को पूरा देखें। तो इधर आओ भाई साहब एक मिनट। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नाम क्या भाई साहब अपना? दीपक। तो कर्नाटक में कौन सी जगह अपनी? रायचूर डिस्ट्रिक्ट मानवी तालुक से। मानवी तालुका है आपकी? हाँ। रायचूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और कितना भैंस खरीदा भाई साहब आपने राज डेयरी फार्म से? 12 भैंस लिया है। तो कैसी लगी भाई साहब भैंस आपको? अच्छा लगी। और जैसे रेट के हिसाब से भाई साहब? हमारा प्लेस से इधर कंपेयर करो तो बहुत कम है। कम है, कम है। भाव में भाव भी दिया और भैंस भी अच्छी दी भाई साहब। अच्छा। और जैसे देखने वाले भाई हैं आपके जो कर्नाटक के हैं, आपकी कौन सी तेलुगु लैंग्वेज है ना? कन्नड़ा सॉरी। तो उसमें क्या कहना चाहोगे राज डेयरी फार्म के बारे में, थोड़ा ये बताओ। कन्नड़ में बात करो। हाँ हाँ कन्नड़ में नोड़ी बंद्रे ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೇ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 1,00,000 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7-8 ಲೀಟರ್ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟನೇ ಬಟ್ 1,00,000 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 15 ಆದ್ರೂ ಪಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1,30,000 ಕೊಟ್ಟರೆ 15-16 ಲೀಟರ್ ಕೊಡೋಂತ ಎಮ್ಮೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ अच्छा रहने खाने पीने में कैसी कोई दिक्कत आई भाई साहब की? ऊट गीट बे चिंता कोई धोखाधड़ी हुई आपके साथ में, कोई जोर जबरदस्ती हुई? प्रतियोबर भय पड़ता है ना, बेरे प्लेस भयद सूपर आगे अच्छा ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಭಯಪಟ್ವಿ ಜನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಂತಾರೋ ಬೇಗ ತಗೋಬೇಕು ಆತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗೇ ಇದಾರೆ थोड़ा सा हिंदी में बताओ आपने क्या बोला थोड़ा ये जैसे हमें बोले बहुत अच्छा है। अच्छा आए थे ना जब डर लगे। अच्छा डर लगा थोड़ा उधर से इधर आया। हाँ हाँ ऐसा रहता कि ऐसा बात करना करके डर लगता। अच्छा अच्छा थोड़ा सा क्या बहुत फ्रेंडली से पूरे। अच्छा क्योंकि भाई साहब 2000 किलोमीटर का सफर तय करके आए हो आप, थोड़ा हो जाता देखो मन में। तो आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम तो प्रवीण है भाई। प्रवीण, तो आप दोस्त हो? हाँ दोस्त है। अच्छा तो नया डेयरी फार्म क्या स्टार्ट किया है पहले भैंस अपने पास? तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, इनका ऑलरेडी है। अच्छा अपने पास कितना भैंस है भाई साहब? 27 है। 27 भैंस है। और दूध क्या भाव जाता अपने? तो 27 में नहीं नहीं दूध क्या रेट भाव से बिकता आपके इधर? 70 रुपये के जी है। तो ठीक है भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप राज डेयरी फार्म पे आए। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, हर भैंस का रेट जरूर बताऊंगा देखने वाले भाइयों को। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने। पहले ब्यांत की फर्स्ट लैक्टेशन का भी लिया है, सेकंड का भी और थर्ड लैक्टेशन का भी। तो हर भैंस के बारे में जरूर बताएंगे। तो ये देखिए जी जो एक नंबर से स्टार्टिंग करेंगे जी, ये भैंस खरीदी है 1,10,000 रुपये का। अभी ये बच्चा जी 16 लीटर दूध तैयार है। ये कितने का लिया भाई साहब आपने ये भैंस? 1,10,000 का। 1,10,000 रुपए की ली है जी। ये देखें हाइट लंबाई ऊंचाई ले वापिस, 16-17 लीटर दूध की भैंस है जी। 1,10,000 रुपए की। एक सींग की थोड़ी सी एक उपली उतरी हुई है, लेकिन पीछे की जो क्वालिटी है भैंस की बहुत बढ़िया है जी। 1,10,000 रुपए की। और ये कितने का लिया? एक तो ये भैंस और एक इसके साथ में जोड़ ही दिया था।
एक ये जोड़ी लिया था इसके साथ में, ये वाली जोड़ी लिया जी, ये लिया है। कितने का लिया जोड़ी ये? 2,21,000 रुपये की लिए जी। एक तो ये भैंस, एक ये दो नंबर वाली भैंस, 2,21,000 रुपये की जी। 17-18 लीटर दूध की ये भैंस है जी, तीसरे ब्यांत की, और 15-16 लीटर से वो भी कम नहीं रहेगी। और ये कितने का लिया भाई साहब? 1,10,000 रुपये का लिया। देखो जी, देख क्योंकि इन भाइयों के सामने बोल रहे हैं, क्योंकि 12 भैंस लिया, ये भी थोड़े कन्फ्यूज है, लेकिन हमको हर भैंस का मालूम है जी कितने का भैंस लिया। इसको भी खोलो शीतल, इस भैंस को भी खोलो, खोल इसने ब्रेसर, खोल इसने। 1,10,000 रुपये की भैंस ली है जी, और एक ही ये भैंस ली है जी, सबसे बड़ी भैंस, 22-23 किलो दूध की भैंस है जी। 1,27,000 रुपये की भैंस खरीदी है, और खुल के चलती है तब भैंसों का पता चलता है जी। ये देखें जी, बहुत बढ़िया जानवर खरीदे भाइयों ने, पहली बार आए थे राज डेयरी फार्म पे। और देखने वाले भाई कमेंट में आप ज़रूर बताएं जी भैंस कैसी है रेट के हिसाब से, क्योंकि जी बोलने वाले बोल देते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी भैंस देखे जी, ये भैंस अगर जिस टाइम पे 22-23 लीटर दूध निकालेगी, उस टाइम पे 1,50,000 की भैंस हमने बिकती देखी जी, ऐसी ऐसी भैंस। लेकिन ये भैंस दिलाई है भाई साहब को 1,27,000 रुपये की, और ये उसकी जोड़ी में थी जी, एक ये भैंस और एक ये इसके साथ वाली, ये जोड़ी लिया है 2,23,000 रुपये का। और एक ये फर्स्ट लैक्टेशन की है, पहले ब्यांत की कटड़ी है, 13 लीटर दूध तैयार है, 1,10,000 रुपये की पाड़ी लीजिए। ये देखिए, तो ये भाइयों के सामने हम रेट बता रहे हैं जी, और सामने इनकी गाड़ी भी लगी हुई है, 29 फिट की गाड़ी आई है इनकी 12 भैंस की, और पहले ब्यांत की कटड़ी है, दो दांत मुँह से है जी, ले वापिस है। ये देखें, 1,10,000 रुपये की दी है जी, बंद इसको। और ये भैंस दी है जी 1,05,000 रुपये की, और ये दी है 1,08,000 रुपये की, और ये दी है 95,000 रुपये की जी। तो देखने वाले भाई कमेंट आप ज़रूर करें जी भैंस कैसी है, और ये कर्नाटक जाएगी रायचूर। इसके अलावा 2-3 भैंस पीछे खड़ी है, और 4-5 भैंस ही साइड गया है, ये जा रही है बेंगलोर, ये बेंगलोर जाएगी जी। तो उस साइड की 11 भैंसें आई, अभी एक भैंस इनकी बार है, थोड़ी लेट हो गई थी, शाम का टाइम है, रात को भाई साहब निकलेंगे, लगभग 7-8 बजे तक वो भैंस पहुंचेगी। और ये गाड़ी आई हुई है जी सामने, देखें आप, 29 फिट की गाड़ी है, तो ये गाड़ी जा रही है जी, ये देख लें 29। और सामने आप राज डेयरी फार्म देखें, गांव मिंग निखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा में है जी। और यहाँ पे हम भैंसों को उतारते चढ़ाते हैं, ये ठैया बना रखे हैं बाहर की साइड, और ये देख लें जी राज डेयरी फार्म। तो कोई भी भाई अपने महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये भाई साहब सतारा से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से ही, ये देखिए इन्होंने कटड़ियाँ ख़रीदी है, तो इनकी जो कटड़ियाँ आएंगी उनके साथ हम इनकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ठीक है जी, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी भैंस, कमेंट में आप ज़रूर बताएँ। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।